अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। और इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 का टाइम है और गाज़ियाबाद नंबर 1 में मुसलसल तकरीबन 35 मिनट से मूसलाधार बारिश जारी है और जिसके नतीजे में लगता है आज गाज़ियाबाद नंबर 1 डूब गया है। अभी मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करता हूं। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार करें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि सुबह से और दोपहर और शाम हल्की हल्की बारिश होती रही, लेकिन अब तकरीबन 10:30 जो बारिश शुरू हुई थी तो वो तकरीबन 35 मिनट मुसलसल बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश जारी रही। और क्या नतीजा निकला, अभी तो हम मोहल्ले की गलियों में घूम रहे हैं, रोडों का क्या हाल है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों को बाहिफाजत पहुँचाए, आमीन। अभी भी बारिश तेज़ है। ये देखें अभी भी मुसलसल तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन इससे पहले जो बारिश थी कंटिन्यू 35 मिनट की, यकीन जाने बहुत मूसलाधार बारिश हुई है गाज़ियाबाद नंबर 1 पे। अब और इलाकों की क्या सूरत हाल है और रोडों की क्या सूरत हाल है वो तो अब सुबह ही पता लगेगा। फ़िलहाल इस टाइम बाहर निकलना रोडों पर सही नहीं है। ये देखें ये लड़के कितने खुश हो रहे हैं। ये साबिर मेडिकल है स्टोर गाज़ियाबाद नंबर 1 का और इसके पीछे जलालाबाद गाज़ियाबाद लगता है। ये हमारा आबाई महल्ला है। तो बारिश की तेज़ी अभी भी है, लेकिन क्या बारिश हुई है 35 मिनट, ओए होए मैं आपको बता नहीं सकता। इंतहाई तेज़ तरीन मूसलाधार बारिश थी कि सामने का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और माजरत के उस टाइम में सच बात बता दूँ, मेरी ईशा की नमाज़ निकल गई थी तो मैं लेट आया था घर पे, तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने नमाज़ अदा कर रहा था और उस दौरान ये मुसलसल बारिश होती रही। फिर बारिश के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग गलियों का बनाना चाहिए और आप लोग ये देखें। ओए ये गाज़ियाबाद जलालाबाद का इलाका है, अंदर जलालाबाद का एरिया लग जाता है। और आज मैं आपको दिखा देता हूँ जे की हलवा पूरी वाले, जो कि अब इस टाइम जे के रोल पराठे अंडा घोटाला ये सब यहाँ पर मिल रहा होता है। ये कौन से चबूतरे के ऊपर खड़े होके तुम बना रहे हो? जिस पे बिठा के खिलाते हो लोगों को? हाँ, खुद बना रहे घर हो गया है। अच्छा, और ये हाल है इस वक्त इलाके का। अंडा पराठा, अंडा घोटाला, जीजे के बारबेक्यू पर हम खड़े हैं जलालाबाद के। और यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें पानी कितना जमा हो चुका है। तो मैं इस आप इस इधर की गलियों से अंदाज़ा लगा लें कि मेन रोडों पर क्या सूरत हाल होगी। अल्लाह खैर करे। ख़ास तौर पर 5 सुनने में आ रहा है, अभी मेरी एक से बात हुई थी कि 5 स्टार चौरंगी के लिए चौरंगी नागान ये सब डूब चुके हैं। अब इस टाइम रात में निकलना सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। थोड़ा और आगे चलेंगे वॉक करते हुए। ये हमारे आलम भाई की शॉप, इस वक्त वो बैठे हुए काम कर रहे हैं। अब थोड़ी बारिश जो है वो हल्की हुई है। सही मानों में इस सीजन का सबसे तेज़ तरीन मूसलाधार स्पेल मैंने नहीं देखा, जो
35 मिनट की मूसलाधार बारिश हुई है। ये लीजिए फिर दोबारा तेज़ हो चुकी है, हल्की हल्की इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। इस वक्त 11 में 10 मिनट कम है। अब आप ख़ुद बताइएगा वीडियो देख के आप कौन कौन से इलाके में और कहां कहां बारिश हुई है। इससे पहले नाज़ाबाद में इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, अभी आज सुबह और दोपहर शाम हल्की बारिश चल रही थी, जबकि दीगर इलाकों से इतलात थी जैसे बहरिया टाउन, गुलशन मेमार, एयरपोर्ट की साइड, मलीर, कोरंगी, इन जगहों पर बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। और हैदराबाद में मेरे कज़न से मेरी बात हुई है तो वो बता रहे हैं शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई है, बिजली गायब हो चुकी है, बहुत बुरा हाल है। ये हमारे फैसल भाई, उमन भाई और पीछे सलीम भाई मौजूद है। ये दुकान दूध की भी है, ये दुकान नेट की भी है और इनको तो आप जानते ही हैं, ये बड़ी मशहूर शख्सियत है सलमान भाई। तो बारिश की ये कंडीशन है नाज़ाबाद। अब से कुछ देर पहले 35 मिनट की मूसलाधार बारिश। अब सुबह ही सुबह निकलेंगे और जाते हुए आपको दिखाएंगे कहां कहां क्या क्या हुआ। सलमान साहब इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ है, नीम के दरख्त के नीचे। हवा भी बड़ी प्यारी चल रही है, मौसम बहुत ठंडा और सुहाना हो चुका है। दिल तो कर रहा है दोस्तों के बाइक स्टार्ट करें और मेन रूटों का हाल देखें, लेकिन कभी बाइक हमारी भी बंद हो सकती है जिस तरह और लोगों की बाइकें बंद हो जाती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो बेहतर इसी में ही है कि सुबह के टाइम आपको आज के इस रात की बारिश का हवाल सुबह दिया जाएगा कि क्या असरात हुए। ये हमारे फैसल भाई हैं दूसरे जो अब घर से बाहर निकले हैं और सलमान भाई से टॉफ़ी खाते हुए जब बारिश ख़त्म हो गई तो ये छतरी लेके निकले हैं। छतरी नहीं मिली आपको? और ये वो मेहनती तबका है हमारा, नौजवान पढ़ा लिखा जो जॉब ना होने की वजह से फूड पांडा और दीगर ऐप पर काम कर रहे हैं। ये नौजवान लड़के यार वो कोक आइस भूलता है यार। और इस बैठक का नाम हमने बेकार की बैठक रखा है। उस दिन रात में बारिश हुई 2-2.5 बजे के टाइम और हम इस तरफ वॉक करते आए तो 3 बज रहे थे, ये बेकार की बैठक के लोग बैठे हुए थे। अभी तो इसमें और भी मेम्बरान आएंगे और ये जो हाथ से इशारा कर रहे हैं ये चीफ हैं इस बेकार की बैठक के, चीफ ऑर्गेनाइजेशन बेकार की बैठक। लाइट की रोशनी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी बारिश जारी है। ये देखें कितनी
तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए लाइट की रोशनी में पता लग रहा है। थोड़ा और वॉक करते हैं दोस्तों, फिर वीडियो को करेंगे एंड। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ कहाँ बारिश इस वक्त जारी है। मूनसून का एक ताकतवर स्पेल, उसके असरात अब दाखिल हो चुके हैं कराची शहर में। ये गली भी आप देखें दोस्तों, फुल पानी से लबालब भर चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 35 मिनट की मूसलाधार बारिश ने गलियों का क्या हाल कर दिया है। तो यहाँ से अब हम वीडियो को करते हैं ख़त्म, आपसे चाहते हैं इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।